हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं रॉयल एनफील्ड इंदौर की सीट मॉडिफिकेशन हमने करी है। और अंदर फॉर्म का शेप देख सकता हो, इस तरीके से हमने फॉर्म का शेप दिया है। और आप, हाँ जी, आप देख रहे हो बीच में मैंने हांदा मारा। हांदा मारने का रीज़न है कि ये कस्टमर ने 3 इंच प्लेट लंबाई है, इसलिए हमको फॉर्म काट के बीच में हांदा मारना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैंने जो हांदा मारा है वो भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ है। कोई भी कस्टमर, कोई भी आदमी को पता ना चले कि भाई यहाँ ऐसा हांदा है, ऐसे परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हम लोग काम करते हैं। आप ये वीडियो आप पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो भी स्पेशल होने वाला है। मैं कैसे इंदौर की सीट मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ना, वो इसमें साइड में क्रोम भी पट्टी आएगी, पीछे बैक हैंडल भी आएगा, और इसमें अलग अलग तरीके से मैं कितनी सारी कलर में भी चॉइस में बनाता हूँ। यह कस्टमर की चॉइस थी, ब्लैक ही पूरी बनवानी है मेरे को, इसीलिए मैंने ब्लैक ही बनाई है। जो आगे का पार्ट है वहाँ पे हम सोल्यूशन लगा रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन लगा फिनिशिंग अच्छा रहता है। बीच में मार्किंग की है, तो मार्किंग टू मार्किंग काम करो तो आपका जो लाइनिंग का काम है वो भी परफेक्ट रहता है। और इसमें अलग अलग तरीके से कितने भी शेप में वगैरह में बनती है सीट मेरे पास। और गाइस, जो भी मेरी चैनल में नहीं हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, कुछ ना कुछ तो आपको न्यू आइटम जानने को मिलेगी। अभी ये सुखाने की बारी है, क्योंकि फास्ट में काम करना है, इमरजेंसी में सीट देनी है। इसका फॉर्मिंग का तो मैं वीडियो भी नहीं निकाल सका। सुबह मैंने 9 बजे आ गया था, 9 बजे ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। इसमें टाइम लगता है ये सीट बनाने, ये कोई फास्ट में फटाफट को फिटिंग करके नहीं देनी, फिनिशिंग वाला काम लेना है। जो हमने जो हांदा मारा है ना, वो फिनिशिंग वाला है। अब मैं कवर फिटिंग करके आप देखना, जो आपको कोई भी एक दो इंच का भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चाय पानी का टाइम है तो चाय पानी पी लेते हैं। और जो डिस्प्ले में नंबर दिया है, वो डिस्प्ले का नंबर मेरा है। जिस को भी कॉल करके विजिट करना है तो कॉल करो। और गाइस, हाँ जी, मैं सभी लोगों को एक बोलना चाहता हूँ, कोई लोग मेरे को रात को 10 बजे 11 बजे कॉल करते हैं, तो यार मैं रात को 8 बजे तो कॉल बंद कर देता हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ 8 बजे के बाद। पहले आप ये याद रखें, सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे तक ही कॉल करना, क्योंकि मैं 8 बजे मेरी शॉप क्लोज कर देता हूँ और मैं घर पर चले जाता हूँ। घर पर कोई काम की बात घर पर कोई नहीं करता हूँ, मैं दुकान में ही काम की बात करता हूँ, घर में फैमिली एंजॉय। इसीलिए 2-3 सब्सक्राइब कर मेरे मित्र है, इसका कॉल आया था, मैंने बोल दिया था भैया आप सुबह कॉल करो। मैं सभी लोगों को एक यही बात बताना चाहता हूँ, मेरे को कॉल शाम 8 बजे तक ही करना, वरना आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो। मैं व्हाट्सएप पर रात को 12-1 बजे तक ऑनलाइन ही रहता हूँ। व्हाट्सएप पर जिस को भी मैसेज करना है, रिप्लाई देना है, तो मैं सभी लोगों को रात को ही रिप्लाई देता हूँ। और इसमें जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो भोर कंपनी का मटेरियल है, अच्छा वाला है। देखो कैसे हमने परफेक्ट सिलाई बिलाई मार के काम किया है। और जो इसके जो सिलाई का धागा है वो भी मैं नायलॉन द्वारा यूज़ कर रहा हूँ, वो भी कॉटन मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कॉटन में फरियाद वगैरह सब कुछ आती रहती थी, इसीलिए अभी कॉटन का काम ही नहीं, ओनली नायलॉन धागा के ही काम करना है। जिसको भी नायलॉन धागा चाहिए तो मेरे को कॉल करो, वो भी मेरे पास अवेलेबल होलसेल प्राइस में मिलेगी, बेस्ट मटेरियल आएगा, कंपनी का माल आएगा। देखो अभी जो धार का जो वगैरह भाग रहता है, इसमें हम सोल्यूशन लगा रहे हैं। ये हमारे यहाँ सोल्यूशन का काम बहुत ज़्यादा रहता है, सोल्यूशन में ही काम करते हैं। सोल्यूशन जो भी यूज करते हैं वो भी बुलडोन कंपनी का है, इसमें भी कोई। और ये भी जो मैं सीट मॉडिफाई कर रहा हूँ ना, वो हमारे यहाँ हड़वत गाँव है ना, यहाँ से सीट स्पेशल आई थी बनवानी, स्पेशल में ये वीडियो होने वाला है गाइस। क्योंकि ये वीडियो बीच में काट के नहीं देखने का, ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं कैसे फिनिशिंग का काम वगैरह सब कुछ लाइनिंग लेता हूँ ना, वो प्रॉपर तरीके से। और गाइस, ये वीडियो आप पूरा देखो, मैं इतना लंबा तो बोल नहीं सकता हूँ, आपको पता ही है, ज़्यादा अच्छा बोलने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही, मेरा एक सिद्धांत है अच्छा नहीं बोलने का, कुछ अच्छा सिखाना, कुछ नया सिखाना। थैंक यू।